नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक और नई ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आज की इस वीडियो में जो है आप सभी लोगों का मैं कुछ कमेंट पिक करूंगा और उस कमेंट के ऊपर जो उस कमेंट में पूछा गया है उस कमेंट को मैं आज की इस ब्लॉग वीडियो में जो है आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं। और फिर मैं दिखा दूं कि थोड़ा सा जो है मौसम जो है आज 4 से 5 दिनों से जो है थोड़ा सा खराब चल रहा है, बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है धीमे धीमे। इसी वजह से थोड़ा सा जो है मेले के कार के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ा है। और दोस्तों, इस वीडियो में जो है 2 कमेंट है। एक तो भैया जो है नीलेश मिश्रा जी का कमेंट है, उनका भी जो है मैं कमेंट जो है पिक करूंगा। शायद वो क्या कहते हैं त्रिवेणी मार्ग के ऊपर जो है उनको विश्लेषण चाहिए उसके बारे में। और भैया एक जो है सौरभ माली जी की तरफ से एक कमेंट आया है, उनको भी किसी शिविर के बारे में जानना है। तो चलिए, हम जो है अभी मुझे ख्याल नहीं है फिलहाल, अभी फिर से कमेंट हम देख के जो है वो जो शिविर जो है इस वीडियो में दिखाएंगे। और दोस्तों, और मेले से जुड़ी जो है जानकारियाँ और भी देंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से फिर से एक बार गुजारिश है कि अगर यार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियोज रोजाना इस चैनल पे आप सभी लोगों को मिलती रहेगी। अभी जो है 2-3 दिन जो है आप सभी लोगों के साथ मैं ब्लॉग दे नहीं पाया, उसके लिए मेरे दोस्त मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि मैं जो है चला गया था लखनऊ और चिड़ियाघर का वीडियो जो है आप सभी लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए, कल हो सकता है कि आ जाएगा चिड़ियाघर का वीडियो। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह त्रिवेणी मार्ग है। और दोस्तों, त्रिवेणी मार्ग जो है ये सामने आपको कुछ इस तरीके से जो है नज़ारा देखने को मिलेगा। और इधर अगर आपको दिख रहा हो तो शास्त्री ब्रिज दिखेगी, जो कि अगर आप वाराणसी की तरफ से आएंगे तो आपको शास्त्री ब्रिज से पहले ही रोक दिया जाएगा मेले के अंदर आने के लिए, और उधर से जो है आपको त्रिवेणी मार्ग पर भेज दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप शहर की तरफ आते हैं ये शास्त्री ब्रिज को इस तरफ से पकड़ के, तो आपको जो है अपोजिट साइड जो है आपको त्रिवेणी मार्ग मिलेगा। अब चलिए, इसका जो है हम आपको विश्लेषण करके दिखाते हैं कि इस पे जो है क्या क्या हो रहा है। अभी बता दूं दोस्तों, तो अभी जब तक बारिश हो रही है तो आप सभी लोगों से मैं एक बार यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग मेले में ना आए, तभी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारा कीचड़ हो गया है। तो ये त्रिवेणी मार्ग का जो है पहला चौराहा है, जो कि सीधा जो है इस साइड जो है त्रिवेणी चली जाएगी, और आपको जो है लेफ्ट साइड संगम लोअर मार्ग मिल जाएगा, और राइट साइड में जो है वो भी संगम लोअर मार्ग ही है। चलिए अब और आपको आगे ले चलते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों, एक ये जो है गेट बनाया गया है और आगे जो है कुछ इसी तरीके से काम चल रहा है। ये चौराहा है जो कि त्रिवेणी सीधा जाएगी इधर सामने और रामानंद बा मार्ग, और दोस्तों उस साइड जो है तुलसी मार्ग जो है आपको दाहिने साइड मिल जाएगा। तो और चलिए आपको सीधा दिखाते हैं। कुछ बाबा जी लोगों का जो है गेट जो है कुछ इस तरीके से जो है तैयार हो चुका है त्रिवेणी मार्ग पे, और काम पीछे हो रहा है तो सिर्फ बारिश की वजह से। तो आपको सामने जो है एक पंडाल जो है दिख रहा होगा, अभी तो केवल उसकी जो है टेंट वगैरह ही तैयार हुई है, और इधर भी जो है बाबा जी लोग जो है अपना पंडाल उंडाल लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है त्रिवेणी मार्ग जो है आपको सामने गंगा जी जो है दिखने लगी होंगी, और इधर सामने जो है पुल भी आपको दिख रहा होगा। तो चलिए पुल के पास तक ले चलते हैं, उसके बाद यही जो है त्रिवेणी संगम का जो है विश्लेषण बंद करते हैं। उस पार चलेंगे दोस्तों तो काफ़ी समय लग जाएगा, और अभी जो है तुलसी मार्ग का भी जो है वीडियो दिखाना है आप सभी लोगों को। और फिर दोस्तों, अभी रोड जो है काफ़ी ख़राब है, डर सा लगा रहता है कि कहीं गाड़ी अगर स्लिप कर गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो जो है, और देख ही रहे हैं कि मौसम कुछ इस तरीके से है, बारिश लगातार होती जा रही है। चलिए अभी पुल के पास आपको लेके चलते हैं। आपको त्रिवेणी पॉन्टून पुल दिख जाएगा, और इधर भी पूरा सीन है, और इधर भी आपको जो है देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो यही है दोस्तों त्रिवेणी पॉन्टून पुल। दोस्तों, बारिश की वजह से जो है गंगा जी जो है कुछ इस तरफ जो है ज़्यादा आ चुकी हैं। पहले तो उधर जो नाव अगर आपको दिख रही हो तो उधर ही रहती थी, अब तो इधर भी आ चुके हैं। इधर देखिए, वो जो बाबा जी का जो है टीना उना लग गया है, उसके पास भी जो है जल स्तर बढ़ गया है, वहाँ पे बोरिया वगैरह लगाए हैं। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं, देखिए वहाँ पे बोरियों से बांध बनाया गया है, और इधर जो है इधर गड्ढा किया जा रहा है कि और जल जो है वो फैले ना, गड्ढा हो जाएगा तो उसी गड्ढे के सहारे जो है जल और थोड़ा सा पढ़ने में जो है उसकी जलस्तर जो बाहर जो है फैल रहा है वो फैलेगा नहीं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ से जो है इस मशीन के द्वारा जो है
बालू निकाला जा रहा है और ये देखिए, तो ये है तुलसी मार्ग सीधा जाने के लिए, लेकिन रोड देखिए इतना ज़्यादा ख़राब है यार कि बाइक जो है चलाने में बड़ी अजीब व्यवस्था है। और ऊपर से जो है ना, भगवान भी यार इतना बारिश कर दिया। देखिए मैं भीग चुका हूँ, थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों को फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ अपनी तस्वीर। देखिए कि क्या हाल हो रहा है हमारा, आप लोग देख ही सकते हैं, पूरा बाल वगैरह भीग गया है, ये जैकेट भी भीग चुकी है और इधर स्वेटर भी बाहीं पर भीग चुका है। फिर भी जो है मैं अब जो है यही सामने वाली जो मार्ग है यहीं पे आप सभी लोगों को ले चलूँगा, ये तुलसी मार्ग है। चलिए कुछ इस तरीके से अगर जो है बैनर लगा होता तो मैं जो है देख लेता, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर अगली वीडियो में दिखाएंगे उसको। तो चलिए दोस्तों यहीं जो है ब्लॉग को करते हैं एंड। तो चलिए मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले खूबसूरत नई ब्लॉग वीडियो में। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियोज रोजाना आप सभी लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले खूबसूरत नई ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।